नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी, एचओडी ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, एससीपीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल साइंसेज, हरिपुर गोंडा। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिहैबिलिटेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग कोरोना वायरस। अगर कोई माइल्ड केस है कोरोना वायरस का या कोई सस्पेक्टेड केस है कोरोना वायरस का, तो हमें क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि हमारे लंग्स कोलैप्स ना हो। तो मैं कुछ डेमो के साथ आपको वीडियोस दिखाना चाहती हूँ, जिसे देखते हुए आप फर्दर ये सारी एक्सरसाइजेस डेली टू डेली में आप कर सकें, और ये कितनी बार करनी है, कितने रेपिटेशन होने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको डेमो के थ्रू दिखाऊंगी। अगर हमें लगता है कि हमारे घर में बूढ़े हैं जो बलून का रेजिस्टेंस नहीं ले पाएंगे या ब्लो नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना है? उन्हें प्रिटेंड करना है कि सामने बलून रखा है और हमें ब्लो आउट करना है। हम कैसे करेंगे? फर्स्ट गहरी सांस लें, फिर मुंह में हवा भरते हुए बाहर छोड़ें, फिर गहरी गहरी सांस लें, फिर हवा छोड़ें, फिर गहरी सांस लें, फिर हवा छोड़ें। इस एक्सरसाइज को हम वैसे ही करेंगे दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, और 5 to 10 रेपिटेशन के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? नेक्स्ट टाइम से पानी के अंदर बबल बनाने होंगे, एक्सपिरेशन ब्लो आउट करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक पानी का बॉटल लेना होगा, एक स्ट्रॉ हो लेने होंगे, और फिर गहरी सांस लेते हुए पानी के अंदर बबल बनाएंगे। फिर गहरी सांस लेंगे, फिर बबल बनाएंगे, तो ऐसे करते हुए हम बबल वाला ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, वो पल्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। इसके लिए हमें सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना होगा, शोल्डर को स्ट्रेट रखेंगे, बैक फ्लैटेंड होगा। उसके बाद आप धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लें, फिर सीटी बजाते हुए, जैसे सीटी बजाते हैं उस तरीके से हम उसको छोड़ेंगे। फिर स्टार्ट करेंगे, 3 बार होना चाहिए। फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे, ऐसा करते हुए हम पल्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे, और फिर इसको रेगुलर में 5 to 10 times के लिए हम डेली रूटीन में करेंगे। जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले आप रिलैक्स पोजीशन में बैठें, शोल्डर स्ट्रेट होना चाहिए, बैक स्ट्रेट होना चाहिए। फिर अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के नीचे रखें, यानी कि रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स पे, और ध्यान रखें आपका शोल्डर उठना नहीं चाहिए। उसके बाद गहरी सांस लें नाक से, और फिर नाक के रास्ते ही छोड़ें। फिर गहरी सांस लें, फिर नाक के रास्ते छोड़ें, फिर ऐसे करते हुए हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, वो बलून के थ्रू करेंगे। सिंपल डिवाइस बलून घर के लिए इजीली अवेलेबल होता है। इसे हम 3 बार ब्लो करना है। फर्स्ट गहरी सांस लेंगे, फिर बलून में ब्लो करेंगे, फिर नाक से सांस लेंगे, फिर मुंह के रास्ते हम ब्लो करेंगे। ऐसे करते हुए हम इस एक्सरसाइज को भी 5 से 10 times तक रिपीट करेंगे दिन में 3 बार।
इसके बाद जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे वो है हमारी डायफ्रोमेटिक ट्रेनिंग यूजिंग वेट। इसमें हम सबसे पहले रिलैक्स या फिर कंफर्टेबल पोजीशन में लेटेंगे, फिर अपने चेस्ट के जस्ट नीचे यानी कि डायफ्राम पे वेट रखेंगे। किसी बॉटल का होना चाहिए, पानी थोड़ा सा भर लिया, फिर इस पे वेट को रखा। अब हम गहरी सांस लेते हुए फिर बाहर छोड़ेंगे, फिर गहरी सांस लेंगे, फिर ऐसे बाहर छोड़ते हुए वेट नीचे जाएगा। जैसे आप गहरी सांस लेंगे नाक से वैसे आपका वेट ऊपर जाएगा, फिर जैसे ही छोड़ेंगे वैसे नीचे की तरफ जाएगा। ये हमारी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हुई, जिसको हम डायफ्रामेटिक ट्रेनिंग यूजिंग वेट बोलते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नैना भारद्वाज, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, SCPM कॉलेज, गोंडा। तो जैसा कि डेमो में ये चीज़ें सारी चीज़ें दिखाई गई हैं डॉक्टर नैना भारद्वाज मैम की तरफ से, तो ये सारी एक्सरसाइजेज आप डेली रूटीन में करते रहा करें, और जो लोग भी होम आइसोलेशन में हैं वो प्रॉपर तरीके से ये एक्सरसाइजेस करते रहा करें दिन में 3 बार, और 5 से 10 रेपिटेशन के साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। और जिस तरीके से बताया है जितना करने को उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद बोलना चाहूंगी। नमस्कार।